हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अर्श, आप देख रहे हैं अर्श रिव्यूज़। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको इस बाइक के फीचर्स, प्राइस और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग ये क्यों बन चुकी है 125 सीसी के सेगमेंट में। तो इसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 125R। यहाँ पे आपको कंपनी ने वो चीज़ ऑफर करी जो आपको अभी तक किसी ने नहीं की थी। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप LED में और LED DRLs आप फ्रंट पे देख ही सकते हो, जो किसी और के अंदर अभी तक नहीं दिया गया है। इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो LED में है। नीचे डिस्क ब्रेक प्लस ABS के साथ में और अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर भी। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी पूरे तरीके से न्यू मिलेगा। टैंक का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नेचर के साथ में मिलने वाला है। 10 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, आगे बात करेंगे। LED टेल लाइट्स भी मिलती है जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, और चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, यानी कि हैजार्ड का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। नीचे टायर हगर भी मिल जाता है। टायर साइज बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 125 सीसी के सेगमेंट में आपको इतना बड़ा टायर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 125R की स्ट्रिक ग्रीन देखने को मिल जाती है। ऊपर आप देखो इसका डिजिटल मीटर कंसोल जो काफी प्यारा लग रहा है, थोड़ा बड़ा हो सकता था, और इसकी ब्राइटनेस की भी शिकायत है। बस बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपको फुलफिल होती हैं 125 सीसी सेगमेंट के अंदर। गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। स्विचेस की क्वालिटी आप देखो टॉप नॉच मिलने वाली है, यहाँ से कोई शिकायत आपको नहीं होगी। E20 का अपडेट भी हो जाता है और ऐप से भी ये बाइक कनेक्ट हो जाती है। यहाँ से आप फ्यूल डलवाओगे, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है और 60 से 65 का एवरेज तो आप इससे ले सकते हो। स्प्लिट सीट मिल जाती है, कुशनिंग काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन पीछे वाले बंदे के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं रहने वाली है क्योंकि काफी ऊंची सीट मिलती है। सीट हाइट इसकी 790 mm है, इसका मतलब आप अगर हाइट छोटी है आपकी तब भी आप इसको आराम से चला पाओगे। इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा इंजन मिलता है, न्यू इंजन मिलता है। यहाँ पे कोई भी पुराना इंजन कंपनी ने लगा के नहीं दिया है। इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट वगैरह लगा दी है। 0 से 60 जाती है 5.9 सेकंड में। OBD2 सेंसर के साथ में आती है। E20 का सपोर्ट इस बाइक के अंदर है तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। माइलेज अच्छा देता है ये इंजन, और 125 सीसी का ये इंजन है। पावर है 10.7 PS की, टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर की। टॉप स्पीड जाती है 110 से 115 के बीच में, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइक मिलती है। इस बाइक को आप 95 से 100 पे चलाओगे तो आप काफी अच्छी राइडिंग ले सकते हो, अदरवाइज ऊपर जाके आपको वाइब्रेशन फील होंगे। कलर की तरफ चलते हैं, 3 कलर मिलते हैं, एक ब्लैक और एक ये ब्लू, जो काफी अच्छा लगता है दूर से देखने में, लेकिन मेरा फेवरेट है ब्लैक वाला और काफी लोग इसको पसंद करते हैं। इसका एक रेड कलर भी आता है, तो ये 3 कलर ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है वो सेगमेंट 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 सब चिल्ला रहे हैं कि सेगमेंट से ज्यादा फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। LED डायल सब में आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप वो भी LED के अंदर कहीं नहीं आती है। स्टार्ट करके दिखाता हूँ, पहले आप इसको ऑन करके इसकी लाइट्स देखो। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप और साइड में आपको रिफ्लेक्टर बेस LED लाइट्स भी मिल जाती हैं जो हाई बीम लो बीम का काम करती हैं। लाइट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। LED इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं। एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, इसका साउंड सुनो पहले, यही पे आपको फर्क पड़ेगा। जब इसकी बैलेंसर शाफ्ट काम करती है विद साइलेंट कैम चेन के साथ में, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन मिलने वाला है। रैप करने में तो आपको लगता ही नहीं है कि ये इंजन 125 सीसी का है। इस इंजन के साथ में, इस आवाज के साथ में आपको प्रॉपर फील आने वाला है कि आप 150 या 180 सीसी की बाइक चला रहे हो। और इस सेगमेंट के अंदर कोई भी आपको ABS प्रोवाइड नहीं करता है। ABS भी ये सेगमेंट के अंदर पहली बाइक है जिसके अंदर आपको ABS मिल जाता है। डिस्क ब्रेक 260 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो वाइपर के कैलिपर्स के साथ में आ रहा है। इसके नीचे वाले मॉडल में आपको वाइपर के कैलिपर्स नहीं मिलेंगे, ABS की स्टिकनिंग आप देख सकते हो। और यही पहली बाइक है जिसके अंदर 37 mm के वाइड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और किसी बाइक में 125 सीसी के सेगमेंट में ये चीज भी नहीं है। अब नीचे आप चलो टायर के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको नायलोन ग्रिप के साथ में, अलॉय व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और ये कंपनी कौन सी है, वो है MRF, और ट्यूबलेस टायर्स हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी पिंचर वगैरह की इन फ्यूचर में। यहाँ पे आपको काफी बड़ा साइज का मडगार्ड मिलता है जो कि प्लास्टिक का ही है। यहाँ पे मेटल यूज नहीं हुआ है इस बाइक के अंदर, प्रॉपर सब जगह प्लास्टिक फाइबर यूज हुआ है, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है। आप ऐसा नहीं फील करोगे कि चीप क्वालिटी लगा रखी है। और नीचे यहाँ पे 125 का स्टिकर मिल जाएगा, ये हटा दें तो कहीं भी नहीं लगती है बाइक 125 सीसी की है, क्योंकि इसका स्टांस, इसका लुक ही अलग है। इंजन ये प्रॉपर न्यू बनाया है कंपनी ने, तो यहाँ पे कोई भी पुराना इंजन यूज नहीं हुआ है। और बाकी चीजें बेसिक मिल जाती है, जैसे कि सिंगल हॉर्न मिलता है, कैटेलेटिक कन्वर्टर नीचे आप देख सकते हो जो BS6 नॉर्म्स के बाद में सभी कंपनी ने अपनी बाइक्स में इंस्टॉल किया था। नीचे आपको पूरा पाइप देखने को मिल जाएगा, ये पीछे एग्जॉस्ट तक जाता है। और यहाँ पे आपको 5 गियर मिल जाते हैं, 4 गियर नहीं 5 आते हैं, तो यहाँ पे आपको गियर की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। सिंगल स्टैंड प्लस डबल स्टैंड दोनों मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलता है विद रबड़ के साथ में, तो ये गिरती है बाइक तो ये टूटते नहीं है, फ्लैक्स हो जाती है, मुड़ जाते हैं। पीछे आप देखोगे यहाँ पे मेटल का यूज किया गया, कोई भी चीप क्वालिटी प्लास्टिक या रबड़ का यूज नहीं हुआ है, तो ये काफी अच्छी चीज है पिलियन के लिए। उसके साथ सीट की कुशनिंग काफी अच्छी है नो डाउट, लेकिन सीट
कि हाइट पिलियन वाले की थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है स्पीड पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी जल्दी ही सिंगल सीट भी आने वाली है। नीचे देखोगे तो अब प्लास्टिक के ही सारे पार्ट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे ये भी प्लास्टिक का ही है और आगे भी सारा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। टैंक के अंदर मेटल लगाया होगा लेकिन ऊपर से तो प्लास्टिक ही है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हो जो कि प्लेन के लिए, पीछे जो बैठेगा बंदा उसको पकड़ के बैठ सकता है अगर वो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो बैकलाइट मैं दिखा चुका हूँ आपको, बहुत ही प्यारी बैकलाइट इसकी दी गई है, किसी और बाइक की इतनी ज़्यादा मुझे अभी तक अच्छी नहीं लगी। 125 सीसी में इंडिकेटर्स भी आपको LED मिल जाते हैं। नीचे टायर हगर जो काफ़ी मजबूत दिया गया है, ऐसा नहीं है कि लोकल चीप दे दिया है, यहाँ पे मुझे पल्सर से भी ज़्यादा मजबूत इसका टायर अगर मिल जाता है। पूरा प्रॉपर पीछे से कवर किया गया है ताकि यहाँ पे किसी का दुपट्टा लेडीज़ का या कोई पैर वगैरह बच्चे का ना आ जाए बाइक के अंदर, तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए इसके अंदर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे यूज़ किया गया है प्लास्टिक को, प्रॉपर इसको साड़ी गार्ड बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ से भी इसको कवर किया गया है, ये भी कवर किया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसको प्रॉपर कवर किया गया है और ये जो दो पाइप्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी अच्छे से इसको कवर करते हैं, तो यहाँ से ये कहीं जाने वाला है नहीं। इसका टायर साइज़ आप देख लो, ये भी सेगमेंट में पहली बार होने वाला है आपको 120 80 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर, वो भी नायलॉन ग्रिप के साथ MRF के टायर मिलते हैं। सिर्फ यही हीरो आपको ये चीज़ दे रही है। और क्या बताऊँ, इस सेगमेंट के अंदर आपको ये मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है, शोभा के साथ में यहाँ पे बनाए गए हैं ट्यूनिंग करके। 180 की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, 136 किलो का इसका वेट हो जाता है। फ्रंट पे हैंडल बार पे आ जाओ, पहले टैंक की बात कर देता हूँ। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, 60 से 65 एवरेज आराम से ले लोगे अगर आप एवरेज चलाते हो तो, इकोनॉमी मोड में कोई दिक्कत नहीं। अगर हाई स्पीड पे भी चलाते हो तो वहां पे आपको 50 के एवरेज 55 का एवरेज मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होने वाली है। डिजाइन लुक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है इसके नाम की तरह। और यहाँ पे स्विचेस वगैरह भी अगर मैं कहूँ सेगमेंट में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिली है तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिकेटर का स्विच, नीचे हॉर्न का स्विच, ऊपर हैजार्ड का ऑप्शन, एक ही बटन से चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो, वो भी LED वाले। अब इसके मीटर कंसोल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पे RPM मीटर या किलोमीटर की रीडिंग, फ्यूल गेज, यहाँ पे इंडिकेटर्स की लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक होती है जो नॉर्मल है, साइड स्टैंड वगैरह, इंजन की लाइट, फ्यूल की लाइट, तो ये सब बेसिक आपको मिलती है। कीज दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे काफी नॉर्मल कीज मिलती है लेकिन ठीक है, स्टाइलिश है, बहुत तारीफ करी इस बाइक की। लेकिन यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो काफी कम है, दिन में अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो रात में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप और सेल्फ का स्टार्ट का भी यही बटन है, यहाँ पे ग्रिप काफी अच्छी मिल जाती है, काफी बड़े बड़े दे रखे हैं। हैंडल्स मिरर भी यहाँ पे शार्प ही बनाए गए हैं, जैसे कि ये बाइक है उसी तरीके के बनाए गए, गोल मिरर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। इसके अंदर दो मॉडल्स आते हैं, यह इसका टॉप मॉडल जिसमें डिस्प्ले आता है, इसके नीचे वाले मॉडल में डिस्प्ले नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको 5,000 रुपये सेव हो जाएंगे। इसके 1,18,000 रुपये ऑन रोड, ये दिल्ली के प्राइस है, और उसके 1,14,000 रुपये 13,000 रुपये ऐसे वो आपको ऑन रोड पड़ती है। शोरूम नहीं बताऊंगा, ऑन रोड ही बताऊंगा आपको मैं प्राइस, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और शोरूम पे जाके भी बताते हैं कि सर हमें इतना प्राइस बताया था, अब कैसे बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका ऑन रोड प्राइस इतना है, आप जाके ले सकते हैं। दोनों बाइक वैल्यू फॉर मनी है, इसका बेस मॉडल भी और ये टॉप मॉडल भी। 125 सीसी के सेगमेंट के अंदर ये बेस्ट बाइक है, इससे बेहतर कुछ नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे। आई होप सारी चीजें मैंने बता दी हैं, फिर भी कुछ लगे कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।